करने के लिए। आगे बढ़ते हुए बात पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी की करेंगे। जम्मू कश्मीर और पहाड़ों पर जिस तरीके से बर्फबारी हो रही है उसकी वजह से मैदानी इलाकों में ठंड प्रचंड है। कपकपाती ठंड ने सुबह सुबह लोगों को घर में दुबकने के लिए मजबूर कर दिया है। कश्मीर से लेकर हिमाचल तक हैवी स्नोफॉल देखा जा रहा है। मौसम विभाग ने आगे और ठंड बढ़ने के आसार जताए हैं। तीन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, गुलमर्ग, जोजला दर्रा, लद्दाख की तस्वीरें आप देखिए, और भी तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं। जो भी पहाड़ी इलाके हैं वहां पर बर्फबारी हो रही है और उसका असर मैदानी इलाकों पर भी हो रहा है। ठंड लगातार बढ़ती जा रही है रचना। ये गुलमर्ग की तस्वीरें हम दर्शकों को टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखने में बेहद खूबसूरत ये तस्वीरें। अगर सैलानी वहां घूमने के लिए पहुंचे होंगे तो इस बर्फबारी का लुत्फ जरूर उठा रहे होंगे, लेकिन दूर से ये तस्वीरें जितनी अच्छी दिख रही हैं शुभ्रा, अगर नजदीक से हम देखेंगे तो कई तरह की दिक्कतें भी वहां लोगों को हो रही हैं, जैसे रास्ते ब्लॉक हो गए हैं, खाने पीने का सामान मुश्किल से मिल रहा है। ऐसे में हम देखते हैं जब इतना ज्यादा कई कई फीट बर्फ जम जाती है तो पाइपलाइन जो पानी की होती है उससे पानी तक नहीं आता है। कई तरह के चैलेंजेस वहां लोगों को फेस करने पड़ते हैं, लेकिन फिलहाल जो सिर्फ बर्फबारी देखने के लिए गए हैं उनके चेहरे जरूर खिल गए होंगे। बिल्कुल, पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र होता है, खासतौर से जब पहाड़ों पर बर्फबारी होती है। लद्दाख की तस्वीरें आप देखिए, यहां पर भी वैसा ही नजारा है। बर्फबारी के बाद कितनी खूबसूरत ये घाटी हो गई है। जोजिला दर्रा की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जम्मू कश्मीर से, और वहां पर भी बर्फ की चादर, सफेद चादर किस तरह बिछी हुई है, और इसके साथ ही जो रास्ते ब्लॉक हो गए हैं उन्हें भी ठीक करने का, दुरुस्त करने का काम लगातार जारी है। शासन प्रशासन के लिए चैलेंजेस बढ़ जाते हैं इस तरह की बर्फबारी के बाद। आप सैलानियों का भी ख्याल रखना है, जो पर्यटक स्थल हैं वहां पर भी तमाम सुविधाएं लोगों तक पहुंचनी चाहिए। ये जोजिला दर्रा की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, और ये देखिए हिमाचल प्रदेश में कुल्लू मनाली, जहां बर्फबारी की ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं आप। इसी तरीके से बर्फबारी जब हो रही है तो जो पर्यटक पहुंचे थे स्पेशली बर्फबारी देखने के लिए, उनका जाना तो समझिए कि कामयाब रहा। और ऐसे में जो लोग अभी मैदानी इलाकों में हैं वो इस बर्फबारी की तस्वीरें देखने के बाद, खबरें सुनने के बाद अब जा रहे हैं घूमने के लिए, ताकि बर्फबारी को नजदीक से महसूस भी कर सकें और आप इसे इन पलों को जी भी सकें। बर्फबारी पर श्रीनगर से आरिश बिलाल की ये ग्राउंड रिपोर्ट आप देखिए। यह गई रात को रात का तापमान -6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और दिन का ज्यादा से ज्यादा तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। हालांकि अभी इस वक्त यहां पे हल्की हल्की धूप निकल आई है, लेकिन इस वक्त भी अगर हम तापमान देखें तो ये -2 डिग्री सेल्सियस है। यानी दिन में भी सुबह के वक्त रात जो तापमान होता है वो 0 से 1 डिग्री नीचे तक चला जाता है। हालांकि 10 बजे के बाद मौसम में थोड़ा थोड़ा सुधार आता है और दिन के टाइम तापमान श्रीनगर में 9 और 10 के बीच रहता है। रात की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम श्रीनगर में लाल चौक के इलाके में एक फव्वारे के पास खड़े हैं। तो अभी तक आपने हिंदुस्तान की बर्फबारी देखी, आपको अमेरिका भी लिए चलते हैं। क्रिसमस से ठीक पहले अमेरिका में भारी बर्फबारी ने कहर बरपाया है। न्यूयॉर्क में भारी बर्फबारी की वजह से घरों से लेकर हाईवे पर कई इंच बर्फ जम गई है। ये न्यूयॉर्क की तस्वीरें आप देखिए, न सिर्फ हिंदुस्तान में बर्फबारी हो रही है बल्कि न्यूयॉर्क की तस्वीरें देखकर आप समझ पाएंगे कि विदेशों में भी ये मौसम बेहद ठंडा है। गाड़ियों पर कई कई इंच तक बर्फ जमी हुई है, रास्तों पर कई कई फीट बर्फ जमा हो गई है। ऐसे में रास्तों से जो गाड़ियां गुजरने वाली थी वो भी जहां तहां रुकी हुई हैं। कई रास्ते ऐसे हैं जो कि ब्लॉक हो गए हैं। वहां आइस कटर का इस्तेमाल करने के बाद रास्ते पहले क्लीन किए जा रहे हैं, फिर वहां से लोग गुजर पा रहे हैं। और ये तस्वीरें न्यू जर्सी की आपको दिखा रहे हैं, अमेरिका में ही न्यू जर्सी की ये तस्वीरें। लोगों के घरों में बर्फ बिछी हुई है, छतों पर, गलियों में आप देख सकते हैं, घर से लेकर मैदान सफेद नजर आ रहे हैं। अमेरिका के उत्तर पूर्वी इलाके में तेज बर्फबारी की वजह से लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। हालांकि ये नजारा कितना खूबसूरत न्यू जर्सी का आपके सामने। और आगे बढ़ते हुए अमेरिका के बाद अब आपको कनाडा की तस्वीरें दिखाते हैं। टोरंटो की ये तस्वीरें हैं जहां पर एक नजर अगर आप दौड़ाएंगे दूर तक तो जहां तक आपकी नजरें जाएंगी सिर्फ बर्फ ही बर्फ होंगी। आप यहां तक कि पेड़ों की पत्तियों पर भी आपको बर्फ जमी हुई दिख रही है। परेशानी भी लोगों की बढ़ गई है, लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं क्योंकि जाने के लिए रास्ते भी पूरी तरह से ब्लॉक हैं। लेकिन देखने में बेहद खूबसूरत ये तस्वीरें लोगों की परेशानी भी बढ़ा रही हैं। और इसी के साथ इंडिया रिपोर्टर में आज के लिए इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर तमाम अहम खबरें जारी हैं। अब